इस वक्त की बड़ी खबर है बदायूं से, जहां तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी थी टक्कर, महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अभी तक कार और ड्राइवर को हिरासत में नहीं लिया। पीड़ित परिवार लगातार काट रहा है कोतवाली के चक्कर। दबंग लोग पीड़ित पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने भी पुलिस पर 50,000 रुपए लेने का लगाया आरोप। बेलसी कोतवाली क्षेत्र के नागर झूना का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी थी टक्कर, महिला की हुई थी मौत। लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले में आरोपियों को नहीं कर सकी है गिरफ्तार। क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहते हो? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं नागर झूना रहता हूँ। क्या मामला आपका? मेरी पत्नी वोट डालने गई थी, उसके बाद वापसी में आ रही थी। मेरे गांव के ही लड़के ने एक ने, क्या नाम था उसका? उसका नाम था दिनेश कुमार। फिर उसने जबरदस्त टक्कर मारी और 10-20 मिनट के बाद तुरंत मौके पर ही खत्म हो गई। कार से मारी टक्कर? हाँ, कार से टक्कर मारी। उसके बाद मैंने थाने में FIR दी। FIR तो लिख ली पुलिस ने। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो गाड़ी बरामद की है, नहीं ड्राइवर को बरामद किया है। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे धमकी देते हैं कि कर लो, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? लेकिन पुलिस कहती है कि मुझे पैसे दो तभी धमकाते हैं मुझे। पुलिस वाले धमकाते हैं मुझे। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे पैसे दो, 50,000 मांगते हैं मुझसे। अच्छा, अब मुझ पे इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? अच्छा, हाँ, उसके बाद कैसे आगे बढ़ेगा? पुलिस पैसे मांगती है, उसके बाद कैसे आगे बढ़ेगा? पैसे नहीं दो कुछ काम नहीं हो पाएगा, ये कहती है पुलिस। हाँ जी।